हमारे पास तीन टॉपिक हैं जिसको हम थोड़ा सा अपर लेवल मैथ्स कह सकते हैं, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और उस पे बेस्ड प्रोबेबिलिटी। तो तीनों छोटा छोटा सा लेकिन डिटेल नहीं होना है कि आपको बहुत डिटेल में चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, उसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चन सॉल्व करें। बेसिक कॉन्सेप्ट टॉपिक का आपको मालूम। तो अगर मैं आपसे बात करूँ कि परमुटेशन हमारा क्या है, दो तीन महीने में वापसी हुई है, सब कुछ डिस्टर्ब, उसके टाइम वगैरह सेटअप हो जाए इंशाल्लाह। जी, बात आती है परमुटेशन। एक हमने टॉपिक परमुटेशन भी और एक हमने अभी टॉपिक किया था, उससे भी आप समझेंगे, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में एक टर्म आया था, टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम। अब मैं आउटकम्स ना कह के अगर मैं टोटल पॉसिबल वेज कह दू एक टास्क, किसी भी काम को आप टोटल कितने डिफरेंट वेज में कर सकते हैं, अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं कि इन हाउ मेनी डिफरेंट पॉसिबल वेज आर देयर टू डू ए टास्क, हम इसकी बात करें तो ये प्रोबेबिलिटी का पार्ट बन जाएगा। कैसे? मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि भाई हमारे पास जो भी मतलब हम कर रहे थे, एक्चुअली अब यार दोनों को देख लेते हैं, टोटल पॉसिबल वेज या परमुटेशन। तो परमुटेशन का एक सिंपल एक वर्ड आता है, अरेंजमेंट। इन हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज ए थिंग, अरेंज कह लीजिए, मैनेज कह लीजिए, डू कह लीजिए, इन हाउ मेनी वेज यू कैन डू ए थिंग, इसी को हम परमुटेशन कहते हैं। परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल पॉसिबल वेज। अब मैं आपसे सिंपल क्या कह रहा हूं कि ये हमारे पास हैं, देर आर थ्री पर्संस, थ्री पर्सन, ए बी एंड सी। देयर आर थ्री चेयर्स, थ्री फोर फाइव चेयर्स, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज दे कैन सिट ऑन देम। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम क्या निकालना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट, इन हाउ मेनी वेज वी कैन मेक देम सिट। तो ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे टर्म आया अभी परमुटेशन, ठीक है। अभी हम इसी को कहते हैं कि दे आर थ्री कॉइंस, इन हाउ मेनी वेज वी कैन रिकॉर्ड द रिजल्ट्स, थ्री डाइस, 52 कार्ड्स, लाइक दिस। तो वहीं पे आएंगे वापस बोल के, तो दे आर थ्री पर्संस ए बी एंड सी, दे आर थ्री चेयर्स, पहले थ्री चेयर्स की बात करते हैं, फिर फोर, फिर फाइव। तो देयर आर थ्री पर्सन ए बी एंड सी, देयर आर थ्री चेयर्स, इन हाउ मेनी वेज दे कैन सिट ऑन देम, ये हमारा क्वेश्चन। अब मैं पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर वो क्या आ रहा है वो देख लेते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट चेयर है, ये हमारे पास सेकंड चेयर है, ये हमारे पास थर्ड चेयर है। अब इस पहली वाली पे मैंने क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी में आपको कराया था, अगर उसको भी याद रखें तो उससे भी कुछ चीज क्लियर हो जाएगी कि भाई टोटल रिजल्ट्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल ऑप्शंस के प्रोडक्ट के इक्वल होते हैं, उससे भी आप कर सकते हैं। तो यहां आप देख लीजिए हो क्या रहा है कि भाई इस पहली वाली चेयर पे कौन बैठेगा, या तो ए बैठेगा, या बी बैठेगा, या सी बैठेगा, कोई सा एक बैठेगा। पहले देखते हैं क्या हो रहा है, फिर इसको फॉर्मुलाइज कर दें, फिर इसका फॉर्मूला निकालें। अब सपोज करो अगर पहली चेयर पे ए बैठ गया तो दूसरी चेयर पे या तो बी होगा या सी होगा। अब दूसरी चेयर पे मान लो बी आ गया,
तो ऑब्वियस सी बात है तीसरी चेयर पे सी आएगा। अच्छा पहली पे ए आ जाए, दूसरी पे सी आ जाए, तो फिर तीसरी पे बी आएगा। तो ये ऑप्शन होंगे ए के लिए। अगर पहली वाली चेयर पे ए बैठता है तो बस यही ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन हम कहते हैं नहीं सर, पहली वाली चेयर पे तो बी बैठा है सपोज करो, तो ठीक है पहली पे बी है तो दूसरी पे ए हो सकता है या सी हो सकता है। अगर यहाँ ए है तो यहाँ सी होगा, और यहाँ सी है तो यहाँ ए होगा। तो फर्स्ट चेयर पे अगर बी है तो बी ए सी हो सकता है या बी सी ए हो सकता है। लेकिन अगर हम कहते हैं नहीं सर पहली वाली चेयर पे सी बैठ जाए, तो ठीक है अगर सी यहाँ बैठा है तो यहाँ ए हो सकता है या बी हो सकता है, और अगर यहाँ ए है तो यहाँ बी, और यहाँ बी है तो यहाँ ए। तो ऑप्शन हो सकते हैं सी ए बी और सी बी ए। Only these are the possibilities to make them sit on three chairs. सब बच्चों को ये बात कुछ समझ में आ रही है या नहीं आ रही? ये sitting arrangement कुछ समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? या इससे ज्यादा कोई ऑप्शन कोई और बता सकता है कि सर इसके अलावा भी कोई अरेंजमेंट हो सकता है, कोई और ऑप्शन हो सकता है? जी आवाज आ रही है सर? नहीं सर। यस सर कोई नहीं अरेंजमेंट। आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। तो नेट मेरा बहुत फास्ट है, एकदम से आवाज आती होगी, तो बोला करो ना, थोड़ा हिम्मत से दिखाएंगे। इस नेट की वजह से दिल्ली आना पड़ा, क्लास तो मैं वहां भी ले रहा था। तो थोड़ा एकदम जवाब दिया करो जो थोड़ा सा मुझे लगे कि आप जाग रहे हो। तो ये हमारे पास अरेंजमेंट है इस तरह से। अब इस तरह से सोचेंगे तो बहुत काम हो जाएगा। सपोज करो 10 आदमी होते, 15 चेयर होती, तो हम क्या करते? अब वो क्या रहा है, परमुटेशन की जब बात आती है, जब अरेंजमेंट की बात आती है, तो अरेंजमेंट का मतलब क्या है पहले ये सीख लेते हैं। एक्चुअली मैं अगर आपसे ये कहूं कि मेरे पास एक ही आदमी है और मेरे पास 10 चेयर हैं, तो इन हाउ मेनी वेज ही और शी कैन सिट। अगर वन पर्सन है, ठीक है, तो वो एक आदमी, एक पर्सन, वो कितने डिफरेंट वेज में उन 10 चेयर्स पे बैठ सकता है? There are 10 chairs. 10. हाँ भाई कोई बच्चा बताएगा? Sir, 10 ways. 10 ways. अगर यहाँ पे 100 chairs होती तो कितने ways में बैठ सकता है? 100. 100. अगर 500 chairs हों तो कितने ways में बैठ सकता है? 500. Means to say के अगर एक ही आदमी होता फिर उसका कोई अरेंजमेंट नहीं होता। भाई अरेंजमेंट की जरूरत तब पड़ती है जब एक से ज्यादा चीजों को मैनेज करना पड़े। अगर एक ही चीज को रखना है कि भाई उठा के से मार दो, लो जी जितनी चीज जितनी जगह, मान लो एक एक बुक को मुझे शेल्फ में रखना है और मुझसे पूछने लगे कितने वेज में, भाई जितने शेल्फ में खाने होंगे, जितने शेल्फ में ऑप्शन होंगे उतनी जगह में इस बुक को रख सकता हूँ। कहीं पे भी ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, रखी एक ही जगह जाएगी। एक आदमी तीन बंदों को तीन चेयर से बिठाना, हर आदमी एक ही चेयर पे बैठेगा, तीन पे नहीं बैठेगा, बट ऑप्शंस पॉसिबल वेज वो हम ढूंढ रहे हैं। तो अगर एक के लिए ही करना होता फिर कोई टेंशन नहीं। अरेंजमेंट तब आती है जब एक से ज्यादा चीजें होती। तो अगर एक से ज्यादा चीजें होती हैं तो हम उनको अलग अलग कर देते हैं। अब यहां से हमारा मैथ स्टार्ट होता है कि हमें क्या करना है, हमें काम करना है। हम उसे कह रहे हैं टास्क। टास्क क्या है? सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ थ्री पर्सन। सिटिंग अरेंजमेंट, अब समझते जाइए बस, आपका ये टॉपिक एक तरह से क्लियर हो जाएगा एक लाइन लिखने के बाद। सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ थ्री पर्सन। लेकिन इस टास्क के अंदर जरूरी सब टास्क होंगी क्योंकि एक से ज्यादा चीजें इन्वॉल्व होंगी, तो फिर हमारी आएगी सब टास्क। सब टास्क वन, सब टास्क टू, सब टास्क थ्री, देयर मे बी एन सब टास्क। अगर एन आदमी है तो एन सब टास्क होंगी, तीन आदमी थे तीन होंगी, इस तरह से मतलब अलग अलग सब टास्क हो सकती है। अब करना क्या है, एक का हम जानते हैं कि भाई अगर एक के लिए 10 चेयर है तो 10 पे बैठेगा, 5 चेयर है तो 5 पे बैठेगा। तो हम क्या करते हैं कि हम पहले एक सब टास्क को सॉल्व कर लेते हैं, फिर दूसरी सब टास्क को देख लेते हैं उसके कितने ऑप्शन हैं, फिर तीसरी सब टास्क को देख लेते हैं उसके कितने ऑप्शन हैं। और प्रोबेबिलिटी में हम ये सीख चुके हैं कि इंडिविजुअल को मल्टीप्लाई कर दो तो भी काम चल जाएगा, नहीं तो यहाँ समझ लो ये जो टोटल रिजल्ट होता है वो इंडिविजुअल रिजल्ट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि मेरे पास पहली चेयर है, ठीक है जी, या मेरे पास तीन आदमी, मुझे आदमियों को बिठाना है, तो मैं आपसे कहूँ कि चलो हम ए को बिठाते हैं। तो क्या आप मतलब सब टास्क क्या है कि भाई ए को बिठाओ, फिर क्या है बी को बिठाओ, फिर क्या है सी को बिठाओ, ये हमारी सब टास्क है। भाई तीन लोग हैं, भाई पहले चेयरमैन साहब को बिठा दो, फिर मैनेजर साहब को बिठा दो, फिर प्रिंसिपल साहब को बिठा दो, मान लो ये हमें करना है। तो यार पहले सबसे पहले ऐसा करो
भाई पहले सर से चेयरमैन साहब को बिठाओ। तो पहला सब टास्क हो गया ए। अब अगर ए आ गया, या आप ही मान लो कि आप तीन बच्चे हो, क्लास के अंदर तीन चेयर्स पड़ी हैं, आप में से कोई पहले आ गया, तो वो कितने डिफरेंट वेज में बैठ सकता है? तो अब मैं कह रहा हूँ ए को बताओ, ए के लिए कितने ऑप्शन होंगे? चेयर्स हमारे पास तीन है, ए आ गया पहले, चेयरमैन साहब पहले आ गए, या पहले चेयरमैन साहब को बिठाना है, तो 4A हाउ मेनी ऑप्शन? 3, कहीं पे भी बैठ सकते हैं। यस, बैठ कहीं पे भी सकते हैं, ऑप्शंस 3 हैं, लेकिन बैठेंगे एक पे। तो अगर एक पे बैठेंगे तो ये वाली सीट मान लो कोई सी भी, बीच वाली, लेफ्ट वाली, राइट वाली फिल हो गई, तो एक सीट अब फिल हो गई और ए की कहानी हो गई खत्म। अब आ जाओ बी पे भाई। अब हमारे आ गए मैनेजर साहब, एक सीट पे चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं ऑलरेडी। अब बी के लिए कितने ऑप्शंस हैं? 2 है जी, 2। यस, वेरी गुड, बी के लिए बच्चे 2। अब बी कहीं भी बैठ जाए, मान लो मैं कह रहा हूँ चलो राइट वाली से बिठा लेते हैं, यहाँ बैठ जा। अब आ गए सर सी। अब सी के लिए बताओ कितने ऑप्शन बचे? 1। बहुत अच्छे, शाबाश। तो सी के लिए बचा 1, और हमें पता है इनका प्रोडक्ट, तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा भाई? 3 × 2 × 1, तो टोटल हो गए 6 वेज। बस यही फॉर्मूला है और यही परमुटेशन है बेसिक, इसे कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग, जिसे कहना चाहिए फंडामेंटल काउंटिंग मेथड, बेसिक काउंटिंग मेथड। कि आप क्या करो, पूरी टास्क को एक साथ ना लेके उसमें से सब टास्क निकालो कि भाई छोटे छोटे काम क्या है, और उन सब टास्क के ऑप्शन ढूंढो और फिर उन्हें उठा के मल्टीप्लाई करो। सर बात समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है, अगर मैं यहीं पे कहूं आपसे कि नहीं सर मेरे पे तो 3 आदमी हैं और 5 चेयर्स हैं, अब बताओ ये कितने तरीके से बैठेंगे? तो यहाँ ध्यान रखना है, चेयर्स को फिल नहीं करना है, आदमियों को बिठाना है। तो जो टास्क है वो आदमियों को बिठाना है, तो आदमियों का ऑप्शन लेना है कि भाई पहले आदमी के लिए कितने ऑप्शन है? यार पहले आदमी के लिए 5 चेयर ऑप्शन। सेकेंड आदमी के लिए कितने ऑप्शन है? भाई एक फिल हो गई तो 4 ऑप्शन है। तीसरे वाले आदमी के लिए कितने ऑप्शन है? सर वो 2 फिल हो गए तो 3 बची। तो इसका मतलब टोटल वेज क्या है सर जी? तो टोटल वेज हो गए सर 5 × 4 × 3, 60 वेज। 3 आदमी 5 चेयर्स पे 60 वेज में बैठ सकते हैं। अगर आप उनके फोटो खींचने लगो हर एक के, तो 60 फोटो बनेंगे कि नहीं आप मेरे लेफ्ट में आओ, आप मेरे राइट में आओ, हम तीनों बीच में बैठेंगे, हम तीनों कॉर्नर्स पे बैठेंगे। तो देयर विल बी 60 फोटोग्राफ्स। आपसे पूछ सकता है इन हाउ मेनी वेज देयर कैन बी द टोटल फोटोग्राफ्स विल बी, तो 60 फोटोग्राफ बने। तो सर ये है अरेंजमेंट। तो एक होता है ये फंडामेंटल है, सीधा सीधा बेसिक कैलकुलेशन जिसे कहना चाहिए। तो अगर हम सिंपल विदाउट फार्मूला, अभी एक फार्मूला भी आएगा, तो अगर हम उससे करें तो आप क्या करो, अपने टास्क को सब टास्क में डिवाइड कर दो और उसे देख लो। आप जैसा एक क्वेश्चन कहता है आपसे, क्या कह रहा है कि भाई हम जो है किसी आदमी को बिहार के गाँव से, ठीक है सर, एक हमारा गाँव है बिहार का, यूपी का, हमें दिल्ली आना है जामिया एग्जाम दे, लेकिन बिहार से गांव से पहले उसे पटना आना पड़ेगा और पटना से उसे दिल्ली आना। तो आपसे कह रहा है गांव से पटना आने में उसके पास 3 रास्ते हैं, और पटना से दिल्ली आने में भी उसके पास 3 रास्ते हैं। तो इन हाउ मेनी वेज, टोटल वेज कितने होंगे कि वो बिहार से दिल्ली आ जाए? इन हाउ मेनी टोटल वेज आर देयर टू रीच फ्रॉम विलेज टू दिल्ली? 9। ठीक है सर, तो अब हमारे पास क्या है, हमें पहुंचना है विलेज से दिल्ली, ये हमारा टास्क है। लेकिन इसमें सब टास्क क्या है यार, पहले पटना तो पहुंचो, उसने पहले ही मेंशन किया हुआ है पटना पहुंचने के 3 तरीके। आप कह रहा अच्छा पटना पहुंच गए तो अब दिल्ली पहुंचो, तो ये दूसरी सब टास्क हो गई, तो इसके भी 3 तरीके, तो टोटल भाई 9। यस, कैसे? अगर ये रूट 1 है, ये रूट 2 है, ये रूट 3 है, ये रूट 4 है, ये रूट 5 है, ये रूट 6 है, तो हो सकता था वो रूट 1 से आए और आगे रूट 4 से आ जाए, या रूट 1 से आए रूट 5 से चला जाए, रूट 1 से आए रूट 6 से आ जाए। इसी तरह 2 के साथ हो सकता है R2, R5, R6, हो सकता है R3 से आए R4 पे, R3 से R5 पे, या R3 से R6 पे, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो
तो टोटल विल बी 9 वेव्स। तो ये हमारा बेसिक कैलकुलेशन है, बेसिक अरेंजमेंट। लेकिन अरेंजमेंट में क्या होता है, अरेंजमेंट में प्रॉब्लम आती है जब कंडीशनल अरेंजमेंट आ जाता है, कंडीशनल परम्यूटेशन। कंडीशनल परम्यूटेशन क्या होता है? कंडीशनल परम्यूटेशन सर ये होता है कि आपके पास तीन आदमी है ए बी सी, आपके पास तीन चेयर है, लेकिन जो बी है वो बीच वाली सीट पे बैठेगा, ही विल सिट, ठीक है, ऑन द मिडिल सीट। अब कितने वेज में ये बैठ सकते हैं, हाउ मेनी वेज दे कैन सिट? देर आर थ्री पर्सन ए बी एंड सी, देर आर थ्री चेयर्स, बट बी विल सिट ऑन द मिडिल सीट। फाइव अब हमारे पास क्या होगा, अगर कभी कंडीशन आ जाए, तो अगर कभी कंडीशन आ जाए तो पहले कंडीशन को ही फिल करना है, भाई पहले सी की कहानी खत्म करो बाद में सोचेंगे। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बी के लिए कितने ऑप्शन है, दानिया, दानिया ये प्रॉब्लम, दानिया जी आवाज आ रही है? अच्छा मुझे सबके सब जरा सलाम करो, अपना नाम ले लेके, सलाम वालेकुम, नाम लेके अरबाज खान, हाँ जी अरबाज सर, आसिफ है जी, आसिफ हो गए, और अस्सलाम वालेकुम हमजा सर, हमजा, और अस्सलाम वालेकुम सर शिमरोज, है जी शिमरोज, और सर सुमैया, अस्सलाम वालेकुम सर साकिब, वालेकुम सलाम साकिब हो गए, और अस्सलाम वालेकुम सर, कौन है जी, है सादिक जी, सादिक साहब, और यावर में कहां से आवाज आ रही है, बहुत ही हल्की सी आवाज है, नेट आपका स्लो है, ये तो बहुत स्लो है, ये देखो दानिया जी सो रही हैं, दानिया जी को नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, अल्लाह सबकी आवाज आ गई, डॉक्टर दानिया की नहीं आई। जी भाई तो अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कंडीशनल होता है तो कंडीशन में पहले कंडीशन को ही फिल करते हैं। अब हमने कहा बी का ऑप्शन बताओ, अब आपने तो कह दिया सर बी तो बीच में बैठेगा, तो सर बी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, अनम्यूट नहीं हो रहा था वो, क्यों नहीं हो रहा था जी अनम्यूट? अरे सर वो पता नहीं अटक रहा था कुछ। हाँ जी तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई अगर हमें बी के लिए ऑप्शन ढूंढना है तो बी के लिए तो सर एक ही ऑप्शन है, बी कहीं नहीं बैठेगा, सीट वन पे बैठेगा, ऑप्शन फॉर बी वन। अब आप किसी के लिए भी ले सकते हो ऑप्शन फॉर ए, अब क्योंकि एक सीट फिल हो चुकी है तो ए के लिए दो ऑप्शन, ठीक है। अब बताओ मुझे सी के लिए कितने ऑप्शन बचे, दो, अल्लाह रहम, सोच के बोल लो, हाँ भाई वन वन वन, भाई आपने बी को सीट के बीच में बिठा दिया, ए को आप कहीं भी बिठाओ चाहे राइट बिठाओ चाहे लेफ्ट बिठाओ, तो एक सीट और फिल हो गई, तो बचा सी और एक सीट बची तो वन, तो इसका मतलब टोटल वेज क्या हुए। अगर बी को आप सेंटर सीट पे बिठाओगे तो टोटल अरेंजमेंट्स कितने होंगे, टू। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो गया, देख लो क्या हो गया सर, या तो होगा ए बी सी या होगा सर सी बी ए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अगर आप बी को सेंटर सीट पे बिठाओगे बेटे तो इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, आइदर ए बी सी और सी बी ए, भाई बी तो सीट में बीच में, ए सी को बदल सकते हो आप, तो ए सी आए या सी ए आए, तो समझ में आ गया जी सर, यस सर, ठीक है।
तो ये क्या हुआ, ये हुआ अगर कोई कंडीशन हो जाए। अच्छा, आप कंडीशन के साथ एक चीज और सीखो, सीखते मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, क्वेश्चंस भी करेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट, अगर आप माशाल्लाह कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे छोटे छोटे से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अब एक और चीज देखो, अब हमारे पास क्या होता है, आपसे कह रहा है कि भाई यूजिंग 1, 2, 3, 4, ठीक है, फॉर्म 3-digit numbers। तो आपसे कह रहा हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, सोचो जरा दो मिनट। जी भाई, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास अब यहां आ जाती है एक चीज, आपसे कहा जाए यूजिंग 1, 2, 3, 4 फॉर्म 3-digit numbers, तब होगा क्या, अगेन आपको 3-digit numbers बनाने। 3-digit numbers मतलब आपने बचपन में सीखा होगा 100 place, 10 place, 1 place। अब आपको ये देखना है कि भाई हमारे पास 100 place पे नंबर्स लाने हैं, तो 100 place पे कौन कौन आ सकता है, आपके पास 4 digit है तो 100 place पे कोई एक आ सकता है, तो 4 options है। अब 10 पे कौन आएगा, आपने एक को यूज कर लिया मान लो 1 को, अब 10 प्लेस पे कौन आएगा ये बताओ, 10 के लिए कितने ऑप्शन है, 10 के लिए 3 options है, चलो 2 आ गया, 1 के लिए कितने ऑप्शन है, 2 options। तो आपके पास नंबर हो गए 4, 3 जा 12, 2 जा 24। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भाई 3-digit number तो 333 भी हो सकता है, यूजिंग 1, 2, 3, 4 3-digit number तो ये भी हो सकता है, तो इसमें फिर क्या फर्क आया जो हम पहले क्वेश्चंस कर, हाँ भाई यहाँ क्या हुआ, तो यहाँ आ गई दो चीजें, दो चीजें क्या हैं, अब हो सकता है क्वेश्चन में हमारी जो चीज हो रही है कि भाई उसमें रिपीटेशन है या नहीं, जो डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रही है या नहीं हो रही। जब आप सीटिंग अरेंजमेंट की बात कर रहे थे तो सीटिंग में एक आदमी एक ही चेयर पे बैठ सकता है, 2 चेयर पे नहीं बैठ सकता, लेकिन जब डिजिट्स की बात कर सकते हैं तो एक आदमी, वो एक नंबर, एक जो हमारे पास डिजिट है वो एक से ज्यादा प्लेस पे हो सकती है। अब क्वेश्चन क्या होगा, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज में मेंशन करेगा कि डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं या नहीं हो। तो अगर अब हम यहाँ क्वेश्चन करें कि यूजिंग 1, 2, 3 एंड 4 3-digit number या मेंशन करेगा डिजिट्स आर रिपीट या डिजिट्स आर नॉट रिपीट, ये मेंशन करें। तो अगर नॉट रिपीटिंग है तब तो वही कहानी है कि पहले के लिए 4, दूसरे के लिए 3, दूसरे के लिए 2, तो नंबर्स होंगे 24। और अगर रिपीटिंग है तो फिर क्या होगा, पहले के लिए भी 4, दूसरे के लिए भी 4, तीसरे के लिए भी 4, 64, क्योंकि जो डिजिट रीयूज हो गई वो फिर रीयूज हो सकती है, अगेन वो अवेलेबल है। तो अगर पहले के लिए 4 options है तो दूसरे के लिए भी 4 है, तीसरे के लिए भी 4 है। तो हमें क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे रिपीटिंग है या नहीं है। सर समझ में आ रहा है, हेलो, यस सर आ रहा है। आजी दानिया जी म्यूट हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रही हैं? जी सुमैया क्लियर है बेटे? यस सर। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में मेंशन करेगा। अब क्वेश्चन एक देखो और फिर मुझे आंसर दो, क्वेश्चन मुझे आंसर दो सब बच्चे, हाउ मैनी 3-digit numbers आर देयर इन नंबर सिस्टम, आंसर दो मैं।
ये जो हमारा नंबर सिस्टम है जिसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं, तो इसमें 3 डिजिट्स के कितने नंबर हैं? निकालने को तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, माइनस प्लस करके, और निकालने को आप कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हो जी. हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर इन नंबर सिस्टम? Nine hundred. किसने बोला है 900? तो 900 ही होगा. अच्छा, very good. Bye बाबा. एक तो ये जूते हैं, ज़्यादा पैर पड़े हैं. अब यहाँ आपको खुद से सोचना है. पहली बात तो ये तो है कि भाई मुझे 3 डिजिट नंबर्स चाहिए. अब आपको सोचना है किस किस को यूज करना है. तो आपको पता होना चाहिए नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स होती है. तो आप 0 से लेके 9 तक किसी को भी यूज कर सकते हैं. तो आपने खुद देख लिया कितने डिजिट्स यूज होने हैं. आपको ये पता है 3 डिजिट्स लेने. अब यहाँ एक कंडीशन है. कंडीशन क्या है कि भाई पहले वाले प्लेस पे 0 नहीं हो सकता. जो नंबर 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, जो नंबर 0 से स्टार्ट होता है वो नंबर 3 डिजिट नंबर नहीं होगा, वो 2 डिजिट नंबर रह जाएगा. तो इसका मतलब पहले वाले ऑप्शन पे 0 नहीं आएगा. तो सर ठीक है, पहले वाले पे 9 ऑप्शंस होंगे. अब तीसरी चीज ये है कि जब नंबर सिस्टम की बात करता है तो नंबर सिस्टम में रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, 22, 77, 111, 333, जिसमें तीनों डिजिट सेम हो, 322, जिसमें दो डिजिट सेम हो, 223 लाइक दिस, 211. तो इसका मतलब यहाँ रिपीटेशन अलाउड है. तो अगर रिपीटेशन अलाउड है तो सेकेंड प्लेस के लिए हमारे पास 10 ऑप्शन होंगे, क्योंकि अब यहाँ 0 यूज कर सकते हैं. फिर थर्ड प्लेस के लिए भी 10 ऑप्शंस अलाउड हैं, तो यहाँ भी 0 यूज कर सकते हैं. तो इसका मतलब टोटल नंबर्स जो आएंगे आपके पास वो 900 है. तो खुद से भी क्वेश्चन में सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे रिपीटेशन है और कहाँ पे रिपीटेशन नहीं. सर समझ में आया? यस सर. अब एक क्वेश्चन और समझ लीजिए, फिर इंशाल्लाह इसको आगे करेंगे. हमारे पास क्या है, हमारे पास है दिया 4 पर्सन, ए बी सी डी. आपसे कह रहा है इन हाउ मेनी वेज दे कैन सिट. इफ ए एंड बी वांट टू सिट टुगेदर, ये आपसे तो 4 लोग हैं लेकिन ए और बी चारों को बिठाना है. तो ए और बी साथ बैठना चाहते हैं तो कितने वेज में वो बैठ सकते हैं? पहली कहानी ये, या पहली कहानी क्या है इसे रब कर, पहली कहानी इसको मानते हैं इन हाउ मेनी वेज दे कैन सिट. दूसरी कहानी इफ ए एंड बी सिट टुगेदर इन हाउ मेनी वेज. एंड तीसरा इफ ए एंड बी डोंट वांट टू सिट टुगेदर, उनमें लड़ाई हो रखी है, भाई मैं इसके पास नहीं बैठने का, मुझे कहीं और बैठना, तब कितने ऑप्शन. तो चारों को बिठाना है बगैर किसी कंडीशन के, तो चारों के लिए कितने ऑप्शन है. अगर उन चारों में से 2 को एक साथ बैठना है तब 2 के साथ बैठा के कितने ऑप्शन है, 2 को अलग बैठना है तब कितने, 3 क्वेश्चन हो. तो बताइए जरा सोच के. चार लोगों को बिठाने का मतलब है 4 ही सीट है, मैं 4 लोग बैठ जाओ, तुम एक लाइन फ्रश पे बैठ जाओ, बेड पे बैठ जाओ, तो 4 ही सीट है बस, ये मानिए. तो 4 लोगों को आपको बिठाना है विदाउट एनी कंडीशन, तो इन हाउ मेनी वेज दे कैन सिट.
पहला क्वेश्चन तो यही है, फर्स्ट पार्ट. देर आर फोर सीट्स, फोर चेयर्स, देर आर फोर पर्सन, ए बी सी डी, तो इन हाउ मेनी वेज दे कैन सिट. अगेन बात वही आएगी, ए के लिए कितने ऑप्शन है, ए कहाँ बैठ सकता है, किसी भी सीट पे. तो ए की कहानी खत्म, एक सीट की कहानी खत्म. अब बी के लिए कितने ऑप्शन है, थ्री. बी की कहानी खत्म, एक सीट फिल. फिर सी कितने ऑप्शन है, टू, तो इस सीट की कहानी भी खत्म. तो डी के लिए सिर्फ वन ऑप्शन. तो इसका मतलब कितने ऑप्शन, 24. तो अगर किसी को कहीं पे भी बिठाओगे तो 24 वेज होंगे चार लोगों को बिठाने के. अब दूसरी कंडीशन ये है कि नहीं सर, ए और बी को एक साथ बिठाना है, अब क्या कहानी होगी. तो यहां क्या करते हैं, यहां कहानी ये ले लेते हैं कि भाई हमारे पास थे चार लोग, ए बी सी डी. अगर इन दो को एक साथ बिठाना है तो इन्हें उठा के रस्सी से बांध दो कि भाई तुम अलग अलग हो ही नहीं सकते. अब ये दोनों एक साथ हो गए. अगर ये दोनों एक साथ हो गए तो अब हमारे पास जो सीट्स बची एक तरह से, जो आदमी बचे वो तीन हो गए. इनको एक मान लेते हैं, एक सी हो गया और एक डी हो गया. तो हमेशा क्या करना है, जिसको भी साथ बिठाना है उसे सिंगल एंटिटी मान लेना है. अब मैं ए बी को ए बी ना कह के एक्स कह देता हूं और सी कह देता हूं और डी कह देता हूं. अब एक्स सी और डी को कितने वेज में आप बिठा सकते हो, कोई बच्चा बताएगा. तीन लोगों का मतलब है भाई एक्स शुरू में आ गया, हो सकता है एक्स बीच में आ जाता, हो सकता है एक्स लास्ट में आ जाता, हो सकता है डी इधर होता, हो सकता है डी इधर होता. एक्स का मतलब क्या है, ए बी. ए बी बैठे हुए हैं यहाँ, तो ए बी सी डी, सी ए बी डी, सी डी ए बी, डी ए बी सी, डी सी ए बी, ये आप समझो. तो जहां एक्स है वहां ए बी, तो ये ऑप्शन हो सकते हैं. तो ये ऑप्शन तो मैंने वैसे लिख के बता दिया. मैं आपसे कह रहा हूं मेरे पास एक एक्स हो गया और एक सी हो गया और एक डी हो गया, तो इनके कितने ऑप्शन होंगे. तो आपको समझ में आना चाहिए कि तीन के लिए, पहले के लिए तीन ऑप्शन, दूसरे के लिए दो ऑप्शन और तीसरे के लिए वन ऑप्शन. तो इसका मतलब सिक्स वेज. ठीक है, सिक्स वेज. लेकिन अभी मैंने जो आपको समझाया कि एक्स का मतलब है ए बी, ए पहले बैठा हुआ है, बी बाद में बैठा हुआ है. लेकिन जरूरी तो नहीं है कि भाई ए बी हो, ये हमने कहा साथ बैठेंगे. वो तो ये भी सकता है ना कि बी ए हो जाए. तो फिर हमें अरेंज जो करना है, पहले तो इनको करना है तीन को, दो को मर्ज करने के बाद फिर अरेंज करना है एक्स को कि भाई एक्स के कितने ऑप्शन है. तो एक्स में है दो लोग ए बी, तो ए बी के लिए कितने ऑप्शन होंगे, ए के लिए टू और बी के लिए वन. तो दो तरीके ये हैं. तो टोटल वेज क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दी तो 6 × 2 = 12. तो अगर ए और बी को एक साथ बिठाना है तो 12 वेज होंगे. तो 12 वेज यही होंगे, ध्यान से देख लीजिए. ये जो हमने करा है एक्स सी डी, सी डी एक्स, जहां ए बी है फिर बी ए के लिए होगा. तो ये हमारे पास होगा, इसमें एक्स डी सी और हो सकता है. तो 6 वेज हैं ये, जब ए बी पहले बैठा हुआ है फिर बी ए के साथ बैठेंगे 6 होंगे. तो 6 × 6 = 12. अब अगर आपने ये निकाल दिया है, अगर आपने ये फाइंड कर लिया है Yes. अब अगर आपने ये फाइंड कर लिया है कि भाई आपने ये फाइंड कर लिया कि टोटल वेज कितने हैं, कोई कहीं भी बैठे, तो टोटल हमारे पास आए थे 24. और जब ए बी साथ बैठ रहे थे तब हमारे पास आए हैं 12. तो जब साथ नहीं बैठेंगे क्या करूं इनको, कोई बता सकता है. कोई कहीं भी बैठे 24 वेज हैं, और जब दो साथ बैठेंगे, ए और बी साथ बैठेंगे तो 12 हैं. तो मैं कह रहा हूं अगर ए बी साथ ना बैठे तो कितने वेज होंगे, क्या करूं इन दोनों को अलग. भाई माइनस कर दो,
सर यस सर 24 वेज तो वो है ना जब साथ बैठे या ना बैठे टोटल वेज तो टोटल वेज 24 है और 12 उन्हीं के अंदर में से 12 वो हैं जब वो साथ बैठे हुए हैं तो इसका मतलब 12 वेज ऐसे हैं जब वो साथ नहीं बैठे एक बार चेक कर लेते हैं जरा तीन लेके तो आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है सपोज करो हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास ये तीन लोग हैं ए बी सी तो इनके टोटल वेज कितने हैं कोई कहीं भी बैठे ए के लिए 3 बी के लिए 2 सी के लिए 1 6 वेज अब ए बी साथ बैठे हुए हैं अगर ए बी साथ बैठे हुए हैं तो ए बी को मान लिया एक्स तो इसका मतलब एक्स सी तो दो हो गए तो एक्स सी के लिए कितने ऑप्शन एक्स के लिए 2 सी के लिए 1 2 वेज तो फिर जब साथ नहीं है नॉट टुगेदर तो 6 माइनस 2 4 वेज तो तीन लोगों में से कोई कहीं भी बैठे 6 वेज जब ए और बी साथ बैठेंगे तो ओनली 2 वेज ये हमारे पास आ जाएगा और अगर वो साथ नहीं बैठ रहे हैं तो 4 वेज ये आपके पास ऑप्शन है अब चेक कर लेते हैं हो क्या रहा है भाई हमारे पास ए बी सी के लिए क्या ऑप्शन है ए बी सी के लिए ऑप्शन है ए बी सी ए सी बी बी ए सी बी सी ए सी ए बी सी बी ए तो ये 6 ऑप्शन है कोई कहीं भी बैठे अगर कोई कहीं भी बैठे के 6 ऑप्शन है अब इसमें से वो वाले ऑप्शन बताओ जब ए और बी साथ बैठ रहे हैं तो वो ऑप्शन होगा ये ए बी सी या वो ऑप्शन होगा ये सी ए बी ठीक है अच्छा हमने गलत ले लिया थोड़ा सा हमारे पास ये भी है बी ए सी अच्छा हुआ चलो यहाँ ये क्लियर हो गया और हमारे पास ये बी ए सी भी है 4 ऑप्शन है 4 ऑप्शन का मतलब हम कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं हमने गड़बड़ करी है कि भाई एक्स सी को ले लिया हमने हमने कहा ए और बी को हमने एक्स मान लिया और सी हो गया तो इसके लिए कितने ऑप्शन एक्स के लिए 2 और सी के लिए 1 तो 2 इंटू 1 2 लेकिन अब जो हमारा एक्स है यानी कि ए बी उसके लिए कितने ऑप्शन उसके लिए भी 2 ऑप्शन ए के लिए 2 बी के लिए 1 तो टोटल वेज जब साथ बैठ रहे हैं तो 2 इंटू 2 4 तो जब साथ नहीं बैठ रहे हैं जब साथ नहीं बैठ रहे हैं तो 6 माइनस 4 तो जो मैंने आपसे कहा था कि भाई हमने कहा ए बी को साथ बैठना है लेकिन ए बी के साथ बी ए भी तो हो सकता है तो हमारे पास 4 ऑप्शन वो हैं जब ए और बी साथ बैठ रहे हैं और टोटल 6 ऑप्शन है तो टोटल में से 7 वाले को माइनस कर दो तो नॉट टुगेदर वाला आ जाएगा तो नॉट टुगेदर कौन है ए सी बी एंड बी सी तो ये हमारे पास तरीके रहते हैं तो आज के लिए इतना ही है मैं इसकी पीडीएफ भी भेज रहा हूँ और इसकी यूट्यूब पे वो भी डाल रहा हूँ इसको जरा रिवाइज कर लो बेसिक है अभी सिर्फ विदाउट फॉर्मूला आपने लिया इसके क्वेश्चन भी भेजता हूँ और फिर इंशाल्लाह इसको फॉर्मूले पे लेके आएंगे ये है परमुटेशन का पार्ट फिर हम शुरू करेंगे कॉम्बिनेशन का पार्ट परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन करेंगे फिर इन दोनों को यूज करके करेंगे प्रोबेबिलिटी का पार्ट जब हमारे पास कहता है कि सर एक से ज्यादा कार्ड हमने निकाल लिए अभी तक जो हमने प्रोबेबिलिटी कराई है हमने कहा फ्रॉम द पैक फ्रॉम द डेक ऑफ द कार्ड्स 52 ठीक है इफ वी ड्रॉ वन कार्ड तो हमें पता है वन कार्ड ड्रॉ करने पे 52 ऑप्शंस होंगे लेकिन मैं कह दूं मैंने 4 कार्ड निकाले तो 4 कार्ड में कितने ऑप्शन हो सकते हैं पहले ये सोचो कौन से 4 कार्ड निकालोगे सर तो वो जब टोटल निकालोगे तब उससे प्रोबेबिलिटी निकालो इसको देख लो रिवाइज कर लो मैं इसका इस पूरी क्लास का पीडीएफ भेज रहा हूं पहले आपको इसमें आपके स्टूडेंट और इसका वीडियो भेज ठीक है सर जी थोड़ा जागते रह कीजिए थोड़ा सा पढ़ लीजिए इंशाल्लाह यस ओके जी हाफिज़